पानी आपको शाम जी। आज हम बना रहे हैं एप्पल पैनकेक, जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है। चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अब जौन सी हमने एप्पल केक बनाने एप्पल पैनकेक बनाने के लिए हमने जौन सी चीज़ें लेनी है, ये है 1 कप हमने मैदा लिया है, 1 कप हमने पीसी हुई चीनी लिया है, 1 कप हमने काजू को पीसे हुए लिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ये हमने 2 एप्पल्स लिए हैं। ये हमने बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा लेना। कई दफ़ा मुझे कहते हैं कि बेकिंग सोडा था या बेकिंग पाउडर, तो आपने बेकिंग पाउडर लेना है, इसीलिए मैंने रैप दिखा दिया इसका पैकेट। ये हमने 3 अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर पर। अब हम इस पे अपनी चीज़ें ऐड कर देंगे। ये हमने पीसे हुई जहाँ से चीनी थी 1 कप, वो ऐड करेंगे हम इसमें। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट तक हमने अंडे और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब जो हमसे ये बेकिंग पाउडर है, इसको हम मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसको इसके अंडे के अंदर डाल देंगे। ये हमने जो हमसे मैदा अच्छे से मिक्स हो गया इसमें, अब हम इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम देसी घी इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोई भी और ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर घी। आप तब डालिएगा जब अंडे और चीनी को मिक्स कर रहे होंगे। ये एक साइड पर पड़ा था और मैं इसको भूल गई थी बताना। इसमें हम वलीना एसन हमने अभी ऐड किया है। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बीटर नहीं है। अब इसके अंदर हम अपना ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, काजू जौन से हमने लिए हुए थे पीसे हुए। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप ना ऐड करें, और अगर कोई भी है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये हमने पैन को अपने को ग्रीस कर लिया है। अब पैन को हमने ग्रीस कर लिया है। अब जो हमसे ये एप्पल हमने इस तरह काट लिए हैं, जो हमसे एप्पल्स हैं हमने ये इस तरह काट लिए हैं। अब जो हमसे इनको अगर आप दरमियान से काटना चाहें तो काट सकते हैं। मुझे तो ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे तो मैंने नहीं काटे। अब हम इसको इस तरह रख देंगे। यह हमने पहले चूल्हे के ऊपर तवा रखा है, फिर हमने इसको रख लिया और तवा पहले से ही हमने काफ़ी गर्म कर लिया था। अब हम इसके ऊपर अपना मैटर ऐड करते हैं। अब हम इसके ऊपर अपना मैटर डालेंगे। अब हमने इसके ऊपर अपना मैटर ऐड कर देना डाल देना इसके ऊपर हमने अपना सारा मैटर ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर हम कैप दे देंगे। इसको 40 मिनट हो चुके हैं, 40 से 45 मिनट आपने इसको रखना है। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये ठीक बना है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका कलर है। अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं। हमारे जन से केक ये बन के रेडी हो चुका है। आपने इसको स्लो आंच पे रखना है, बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा इसका कलर है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें जन से एप्पल्स थे वो अंदर ही मेल्ट हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही प्यारा है ये पैनकेक, बहुत ही नरम और बहुत ही इसका प्यारा कलर है, और बहुत ही ये मज़े का पैनकेक बना है। ये देखिए बहुत ही ये प्यारा बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बनाया है। बनाया। बहुत दादा को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी है, तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। बहुत बढ़िया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, लास्ट।